हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। क्या हाल चाल है जी? बहुत बढ़िया। पहली मूवी देखी थी, बहुत ही ज़्यादा कॉमिक और ओवर द टॉप कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ही एक किस्म का स्पूफ था, जिसका नाम था फोन बूथ। वो उसका रिव्यू आपके साथ मैंने शेयर करा, फिर उसके बाद आप देख रहे हैं मिली। ये एक सर्वाइवल मूवी है और जिसके अंदर आपको एक क्लस्टरोफोबिक सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। बिफोर यू मेक एनी जजमेंट, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये मूवी जो है ये मलयालम लैंग्वेज की रीमेक है, जिसका नाम हेलन था। मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी है, तो मेरे ख्याल से ये मूवी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करी है। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आपने हेलन नहीं देखी है तो आप इसको थोरली एंजॉय करोगे। क्यों करोगे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मेजर रीजन तो दोस्तों ये है कि एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी धुक 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 बना दी गई है। समथिंग लाइक जो आपने ट्रैप देखी होगी या सुना होगा, राजकुमार राव का जो वर्जन आया था, काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब था। उसके अंदर एक बंदा एक अपार्टमेंट में फंस जाता है। यहाँ पर ये जो मैडम है रेफ्रिजरेशन हाउस के अंदर एक रूम के अंदर बेसिकली फंस जाती हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के। और फिर जो जद्दोजहद होती है उसकी बाहर निकलने के लिए, वो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। और दूसरी चीज़ जो डिफरेंस है ट्रैप और इसके अंदर है कि राजकुमार राव को कोई ढूंढ ही नहीं रहा था, वो खुद ही बेचारा लगा हुआ था बाहर निकलने के लिए, बट यहाँ पर उसके कोई लोग ढूंढ रहे हैं। स्टोरी के ऊपर हम बाद में आते हैं, बट ये जो रेस अगेंस्ट टाइम है और रेस अगेंस्ट होप है, क्योंकि आपको बहुत बारी ऐसा होगा कि छोटा सा मुद्दा है कि अभी ये बाहर आ जाएगी, अभी ये बाहर आ जाएगी, अभी ये बाहर आ जाएगी, अब ये हो जाएगा तो उसको होप मिल जाएगी। तो डायरेक्टर आपके दिमाग के साथ बार बार खेलते रहते हैं और आपको ऐसा मोमेंट लगता है कि बस इसको हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ तक कि कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ जानवी बिल्कुल फंसी हुई होगी और आपको ऐसा लगेगा कि बस आ तो गई हेल्प, लेकिन वो जो सीन है वो एक्चुअली में कहीं और हो रहा होगा। तो जो स्टिचिंग है वो कहीं और होगी, वो मैं आपका मजा करूँगा कि क्या है। बहरहाल ये जो मूवी है, जो रीमेक है हेलन की, थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और आई थिंक उड़िया के अंदर भी बनी है। और सेम ही इसके डायरेक्टर है मिस्टर जेवियर नाम है उनका, कुछ पूरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम है उनका, मुथुकुट्टी जेवियर नाम ऐसे कुछ नाम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, एनीवेज, तो कहानी में कुछ इस तरीके से होता है कि जानवी थोड़ी सी इस तरीके की लड़की दिखाई गई है कि जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, इंडिपेंडेंट है, बाहर जाना चाहती है। और जो उसका रिलेशनशिप डायनामिक्स है उसके फादर के साथ, वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। साथ ही साथ में उसको एक दूसरे के ऊपर बैंटर भी करते रहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जा रही है, ये वो फलाना ढमकाना, और वो उनकी सिगरेट की आदत छोड़ना चाहती है। तो एक दूसरे की केयर भी करते हैं, बट जो डायनामिक्स है वो थोड़ा खिंचाताने वाला स्वीट सा है। और साथ ही साथ में इसका सनी कौशल बॉयफ्रेंड भी है, और वो जो डायनामिक्स हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से दिखाया जाता है। दोनों की आंखों में प्यार दिखता है। तो कैरेक्टराइजेशन, सनी विल सरप्राइज यू विद हिज आर्ट। और साथ ही साथ में जो बहुत सारे लोग आपको और जो सरप्राइज करेंगे, एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब हैं वो आपको सरप्राइज करेंगे, वो क्रूअल ही लगेंगे आपको। फिर संजय सूरी का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो उसका बॉस बना हुआ है विक्रम कोचर, वो आपको और भी बढ़िया लगेगा। वो क्यों लगेगा आप देखना। तो काफ़ी जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बेमिसाल है। अब क्या ये बाहर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, वहीं दुख दुख लगी रहती है, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होगा इसके साथ। और जो इंटेंसिटी है कि क्या कुछ हो रहा है, वो बढ़ती ही चली जाएगी रेस अगेंस्ट टाइम में। टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, इसके साथ कुछ हादसा हो जाएगा, इसके साथ मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जिसको आपको लगेगा कि अब तो ये बाहर निकल ही नहीं सकती। फिर अचानक से एक होप आ जाएगी कि क्या कुछ करती है सर्वाइवल के लिए। मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा, मज़ा आपका किरकिरा हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने हेलन देखी है, एक साथ में अंकल बैठे हुए तो बोल रहे थे कि काफ़ी हद तक उसके जैसी ही है ये, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया गया है इसके अंदर। इनफैक्ट जो किरदार हैं टू द वॉचमैन इटसेल्फ, जिन लोगों ने हेलन देखी उनको शायद समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं पता कि क्या वो वॉचमैन वाला क्या एंगल है, बट इसके अंदर जो वॉचमैन वाला एंगल है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको इमोशनल कर देता है। तो आप यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द कैरेक्टर कि कैसे होगा, यू स्टार्ट फीलिंग फॉर द फादर मनोज पावा कि ये अपनी डॉटर से मिल कैसे पाएगा, जो उसकी मजबूरी है, जो उसके कुछ सीन्स हैं एक पुलिस स्टेशन के अंदर, वो आप मजबूरी आप फील कर पाओगे। और जो क्रुएलिटी ऑफ पुलिस भी दिखाई गई है वो भी आपको थोड़ा सा झंझोर के रखेगी। एंड में क्या होगा इसके साथ वो आप खुद फिगर आउट करना। मुझे लगता है कि ये जो दोनों रेस अगेंस्ट टाइम चल रही है, एक इनसाइड द रेफ्रिजरेशन हाउस जो अटेम्प्ट चल रहा है, सिर्फ 5 घंटे के अंदर उसको ढूंढ लिया जाता है, तो एक ही दिन की, एक ही रात की कहानी है, शाम की कहानी है। और साथ ही साथ में जो बाहर ढूंढने की जो कोशिश जद्दोजहद चल रही है, ये दोनों की जो इंटेंसिटी है, पिंग पोंग जो चलता है, वो आपको बिल्कुल ही बांध के रखता है। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी थी, जिस हिसाब से इसकी स्टिचिंग हुई है, जिस हिसाब से स्पेस को यूटिलाइज किया गया है, और वो स्पेस के अंदर आपको कन्फाइन कर दिया
दिया गया है वही जीवन बन जाता है, और बाहर जो स्पेस है वो अनलिमिटेड है क्योंकि आप खोज ही नहीं पा रहे हो। एक छोटा सा शहर भी आपको बड़ा लगने लग जाता है कि आप मिली को ढूंढे कहाँ पर। तो मेरा जो बूश स्कोर रहेगा इसके लिए हाई रहेगा, मुझे तो अच्छी लगी 8.5 एटलीस्ट आउट ऑफ 10, क्योंकि इसका म्यूजिक भी काफी ज्यादा जानदार है, तो म्यूजिक में भी काफी ज्यादा दम है। अगर आप देखोगे जब सुनोगे तो जो इंटेंसिटी है बढ़ा देता है। AR रहमान ने इसका म्यूजिक दिया है तो काफी ज्यादा जबरदस्त है। कुछ लिरिक्स भी, गाने बहुत ज्यादा हमेबल नहीं है लेकिन गाने के जो बोल हैं तुम्हें जीना होगा वो उस तरीके के जो गाने हैं वो लगता है कि जावेद अख्तर की इसके अंदर प्रोवेस है। तो मेरा जो मूवी स्कोर है जैसे मैंने आपको बताया 8.5, इट इज़ अ स्लाइटली हायर स्कोर फॉर अ रीमेक आई नो, बट इट इज़ वर्थ इट। आप देखोगे तो जानवी कपूर की एक्टिंग से आप थोड़ा सरप्राइज हो जाओगे, और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उनकी जो कास्टिंग हुई है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ गिविंग सच अ स्कोर। और हाँ एक चीज़ तो मैं बोलना ही भूल गया, वेरी क्रिटिकल जो ग्रेजुएशन दिखाई गई है रेफ्रिजरेशन के अंदर, किस तरीके से उसकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है, उसका जो मेकअप है वो भी बहुत बढ़िया भाई साहब। जिस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें उसके साथ होती रहती हैं और फिर वो क्या फाइंड करके अपने आप को रिकवर करना चाहती है और वो रिकवर क्यों कर पाती है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी एजुकेशन उस तरीके की क्या थी जिसकी वजह से वो कर पाती है, वो जो लिंकेजेस बिठाए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे मुझे। बाकी मिलते हैं और रिव्यूज़ के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर। बाय बाय।